गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। टॉपिक हमारा है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो होते हैं रिलेशन शोइंग वर्ड, जिससे आपका रिलेशन शो होता है। अ प्रेपोजिशन इज द वर्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोट बाय द नाउन स्टैंड टू समथिंग एल्स। प्रेपोजिशन जो है एक संज्ञा या स्वरनाम से पहले रखे गए शब्द हैं, जो कि यह दर्शाते हैं, यह दिखाते हैं कि संज्ञा द्वारा जो है रूप है निरूपित व्यक्ति या चीज किसी संबंध में है, उसका किसी से जो है संबंध है। ये थ्री काइंड्स होते हैं, देर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होता है, प्रेपोजिशन ऑफ पोजिशन, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। उसकी टाइम की, उसके समय की, उसकी जो है पोजीशन की, उसकी डायरेक्शन की। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, इट शो द रिलेशन ऑफ ए नाउन, ये शो करते हैं रिलेशंस नाउन और प्रोनाउन के साथ विद अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस इन टर्म ऑफ टाइम, समय के हिसाब से। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, आवर एनुअल फंक्शन विल बी हेल्ड ऑन 17 मार्च, हमारा जो वार्षिक समारोह है 17 मार्च को होगा। 17 मार्च, द प्रेपोजिशन ऑन शो द रिलेशन, किससे साथ रिलेशंस है, विद द टाइम 17 मार्च, 17 मार्च समय के साथ संबंध को दर्शाता है भाई, उसका 17 मार्च को वार्षिक समारोह है, टाइम को दिखाया गया है। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस क्या शो करता है, द रिलेशन विद द टाइम मॉर्निंग, मॉर्निंग को सुबह से बारिश हो रही है, सुबह के साथ संबंध को दर्शा रहा है, सुबह से मतलब टाइम के साथ संबंध को दर्शा रहा है, ये हमारा क्या हो गया प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अब है प्रेपोजिशन ऑफ पोजिशन, कैसी पोजिशन है, इट शो द रिलेशन, इसमें भी रिलेशन किसका, नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ विद द टर्म ऑफ पोजिशन, किस पोजिशन में है। इट पोजिशन इज इमीडिएटली बिफोर द एडवर्ब ऑफ प्लेस इन ए सेंटेंस। देर इज़ अ बिग बिल्डिंग अक्रॉस द गार्डन, एक बड़ी बिल्डिंग है किसके, अक्रॉस गार्डन के जो पास है। ए स्मॉल टेबल लाइज बिटवीन द टू चेयर, एक छोटी सी जो चेयर है बीच में है, किसके बीच में है, दो चेयर्स के बीच में रखी हुई है। ये हमारे हमें क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है भाई, वो चेयर के बीच में टेबल रखी हुई है, उसकी पोजीशन है टेबल चेयर की। ऐसे ही जो बिल्डिंग की पोजीशन और गार्डन की, गार्डन के पास है बिल्डिंग, तो इस तरह ये पोजीशन दिखाई गई है। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, दिशा जो हमारी है। इट शो द रिलेशन, इसमें भी क्या है, नाउन और प्रनाउन, एक संज्ञा या सुरनाम से पहले रखे गए शब्दों को जिसमें हम उसकी मूवमेंट, उसकी डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। इट्स पोजिशन, उसकी पोजिशन को आल्सो इमीडिएट बिफोर द एडवर्ब ऑफ प्लेस इन ए सेंटेंस। द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट, विंड मैंने हवा कहाँ से तेजी से चल रही है, ईस्ट से। द पैरट फ्लू आउट ऑफ इस केज, पैरट जो है उड़ रहा है कहाँ से, अपनी केज, अपने पिंजरे से उड़ चुका है जो, ठीक है ना, उड़ चुका था। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल, देर आर मैनी पीपल नियर, नियर क्या है हमारा प्रेपोजिशंस। आई डू नॉट बिलीव इन दैम, इन मे ही केम विद हिज फादर, विद मैंने क्या होता है के साथ, वो अपने पिता के साथ है। द लैम्प इज ऑन द टेबल, ऑन मैंने ऊपर की तरफ है, जो टेबल के ऊपर क्या है, लैम्प है। नेक्स्ट देखिए, द रैबिट इज बिसाइड द कॉटेज, बिसाइड क्या है, पास में है। द ब्रिज इज अबव द रिवर, ब्रिज किसके ऊपर है, रिवर के ऊपर है। द रिवर इज बिलो द टाउन, रिवर कहाँ है, टाउन के नीचे, नीचे की तरफ है। ही विल कम बाय टुमारो, बाय मैंने के द्वारा, उसके द्वारा, टुमारो को वो आएगा। ऑल द अबव गिवन वर्ड इन कलर आर आल्सो प्रेपोजिशन। पिक आउट द प्रेपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हमने पहले प्रेपोजिशन को पिक करना है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इन। मारिया रन्स इन द फील्ड, इन। ही वेंट क्विकली टू द शॉप, टू। माई ग्रैंड फादर वॉक स्लोली विद हिज वॉकिंग स्टिक, विद। द सिंगर सिंग्स ऑन द स्टेज, ऑन। द डांसर डांसेज ऑन द डांस फ्लोर, ऑन। वी गो बाय बस, बाय। रोहन ग्रू अ ट्री बिसाइड द हाउस, बिसाइड। द बैंक इज नियर द स्कूल, नियर। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, एट। फिश लीव इन वाटर, इन। आई हैव गिवन एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू द प्रिंसिपल, फॉर और टू। एम्पायर अकबर रूल्ड ओवर अ पास्ट एम्पायर, ओवर। बीना प्लेयड विद द बॉल, विद। द लिटल लैम रैन अराउंड द बॉल फील्ड, सॉरी अराउंड।
दे सेट अंडर द, हमने सेलेक्ट करना है प्रेपोजिशन को. आई एम अफ्रेड ऑफ स्ट्रे डॉग्स. ए ब्यूटिफुल वेस वॉज कैप्ट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. आवर क्लास स्टार्ट एट 8 AM. वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन द 26 January. वट इज द टाइम बाय योर वॉच. We sat beside the pool of fresh water. Grandfather has been sick for many years. Children are fond of chocolates. My school is near my house. They will go to Bangkok by air. आगे next है. She is busy with her work. Her fault for his rights. Always write with ink. The book is on the table. The basket was full of flower. आगे है. The boy were looking at the blackboard. Boys. The farmer has been digging the field since morning. आगे complete the following sentence by choosing the appropriate preposition from the given box. The Yamuna from beside the red fort. Beside मैंने बताया था पास में है. The birds fly above the sky. Above मैंने ऊपर. The deer is below मैंने नीचे. The tree. The pen is on. On मैंने ऊपर. He writes with के साथ. There was a man in the in May. द बुक इज़ नियर द डेस्क पास में. ये स्टूडेंट्स हमारा लेसन कम्प्लीट होता है. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.